तो हेलो मेरे कृषि योद्धाओं, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। जो भी एंट्रेंस पेपर दिया, जिस भी एग्ज़ाम के थ्रू आए, जिस भी यूनिवर्सिटी में आ गए, ये वीडियो प्ले किया है, इसका मतलब है आप फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स, कृषि वैज्ञानिक, डॉक्टर लगेगा आपके नाम के आगे, तो वहाँ पर एडमिशन ले चुके हो। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार कि आपने और स्ट्रीम के बजाय एग्रीकल्चर स्ट्रीम चूज़ किया, क्योंकि बिकॉज एग्रीकल्चर मेरा सबसे फेवरेट स्ट्रीम रहा है शुरू से। एग्रीकल्चर, किसान, फार्मर, ये रूरल बैकग्राउंड जो है सारा, खेती किसानी, ये सब मेरे मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज रहा है, और तो इस स्ट्रीम में जो है वो भी क्लोज है। तो आप सारे मेरे छोटे भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने परिवार फार्मर्स लव में। तो देखो, ये वीडियो प्ले किया इसका मतलब कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, तो अब यहाँ पे आ गए हो ना, सही जगह आ गए हो, मतलब सही परिवार में सही जगह एडमिशन ले लियो, कहीं पे भी एडमिशन लियो, ऑल इंडिया सेम सिलेबस रहता है सबका। आज क्या क्या डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ आपका, कि फर्स्ट ईयर में अगर आपके पास एग्रीकल्चर थी तो आपको, सॉरी, ट्वेल्थ स्ट्रीम में आपके पास एग्रीकल्चर थी तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और अगर बायो से पास हो और फिर किसी एंट्रेंस के थ्रू आप बीएससी एग्रीकल्चर होनर्स में एडमिशन लियो, तो और भी ज़्यादा धन्यवाद कि तुमने हिम्मत दिखाई, बायो से 12वीं की थी और एग्रीकल्चर में आए हो, तो स्वागत है मेरे भाइयों का। तो वो सारी बात करेंगे अपन। तो थोड़ा सा उससे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ, है ना, बेसिक चीज़ समझ लेते हैं अपन, फिर सिलेबस सिलेबस की बात करेंगे। ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी, कहीं पे भी एडमिशन लिया है, यहाँ पे आए हो ना, तो आपके जो सीनियर्स हो जिस भी कॉलेज में, एक बार पूछ लेना भाई भैया कैसा पढ़ाते हैं या क्या है, जो हम पेपर देते हैं ना वो ही पेपर आता है, ठीक है, कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो। और मेरा अब की बार मोटिव है, नया बैच शुरू किया हूँ, ये आज पहला ही वीडियो है ना, 10 सब्जेक्ट आपके चलेगी, सारी बात करूंगा। मेरा जो मेन मोटिव है ना, ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स वगैरह भी अवेलेबल करवाऊंगा मैं, सारी क्लासेस दोबारा से रिकॉर्ड करूंगा आपको दूंगा, हो सका तो लाइव क्लासेस भी मैं चलाऊंगा, है ना। तो मेरा मोटिव यही है कि सारे जो मेरे भाई बहन एग्रीकल्चर में है ना, बढ़िया 80% 80+ OGPA, 8.0+ OGPA का CGPA जो आपकी बनती है ना, वो डिग्री लेके जाए। ये नहीं कोई थर्ड डिवीजन की डिग्री ले रहा है, ठीक है, 54% की डिग्री ले रहा है, 61% की डिग्री, नो वे। अगर आ गए हो ना प्रोफेशनल डिग्री में, ठोक के लेके जाने हैं डिग्री। बात थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, 12वीं में क्या होता था बेटा आपके, 11वीं और 12वीं में, कि अपने अर्धवार्षिक परीक्षाएं लगती थी और वार्षिक परीक्षाएं लगती थी, तो जो एनुअल, ठीक है, दो एग्जाम लगते थे, दोनों में अपने सेम सब्जेक्ट रहते थे, वो इसमें अपना 30% 40% सिलेबस आ जाता था, इसमें पूरा आ जाता था, ये बोर्ड के पेपर अपन जिनको कह सकते हैं, तो दोनों में सेम सिलेबस रहता था, साल में 2 बार पेपर लगते थे, सबको पता है, प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, ये भी लगते थे, फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट स्कूलों में। तो वैसे कुछ कॉलेजों में मिड टर्म्स लगेंगे टेस्ट की तरह, थोड़ा सा सिस्टम समझा देता हूँ, और दो ही पेपर लगेंगे एक साल में। जैसे आपको फर्स्ट ईयर पास करनी है ना, तो फर्स्ट ईयर को 6-6 महीने में 2 भागों में बांट दिया, ये 6 महीने का फर्स्ट सेमेस्टर हो गया और 6 महीने का सेकंड सेमेस्टर। अब सबसे लॉजिक वाली बात क्या है भाई, देखो इतने सब्जेक्ट बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लियो, एमबीबीएस से कम नहीं है बेटा, वो मनुष्य का डॉक्टर बनेगा, आप प्लांट्स का बनोगे, डॉक्टर आप भी बनोगे ना, तो छोटा दिल नहीं करना, खींच के मेहनत करनी है और खींच के ऊपर जाना है ना, बाकी साथ रहेगा आपका तो मैं साथ खड़ा रहूंगा आपके, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे क्या, 10 सब्जेक्ट अपन अलग पढ़ेंगे, और सेकंड सेमेस्टर में जो है ना 6 महीने, वो 10 सब्जेक्ट अपन अलग पढ़ेंगे, और जब इन 20 सब्जेक्ट को अपन क्लियर करेंगे तब अपन बेटा कहाँ जाएंगे, सेकंड ईयर में जाएंगे, ठीक है, सेकंड ईयर में जाएंगे। अब जो ये फर्स्ट सेमेस्टर में जो 10 सब्जेक्ट है ना, ऐसा ही हर साल रहेगा, सेकंड ईयर में जाते ही सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट अलग रहेंगे, अगले में अलग हो जाएंगे। तो ये जो शुरू के 10 सब्जेक्ट है ना, ये वो 10 सब्जेक्ट रहेंगे आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, जो आपने 12वीं में पढ़ गया है, सारे फंडामेंटल, जिसको अपन कह सकते हैं मूलभूत सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत, या फंडामेंटल जो सब्जेक्ट होते हैं ना, बेसिक सब्जेक्ट वो है। और इसमें जितने नंबर आप खींच लोगे ना यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे 80 बना ली, तो ये 80 रह जाएगी आपकी, अगर नहीं पढ़ोगे तो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, थोड़ा और मेहनत करोगे तो ऊपर चली जाएगी, पर एक बेस हो जाएगा, हाँ कि ये टॉपर बंदा है। और यहाँ पे आपके अगर ये समझ लो 55 बन रही है, और आप बाद में सोचोगे ना मैं 6वें सेमेस्टर तक जाते जाते 80 कर लूंगा, कभी नहीं होगी यार, क्योंकि आगे जो सब्जेक्ट है टेक्निकल सब्जेक्ट आएंगे, पैथोलॉजी, प्लांट रोग विज्ञान है ना, पादप रोग विज्ञान, कीट विज्ञान है, एंटोमोलॉजी, निमेटोलॉजी, सूत्रकृमि विज्ञान, तो उनमें आप, मेरे को नहीं लगता कि जब यही नहीं हो रही अपनी फंडामेंटल सब्जेक्ट ही, तो आप वो टेक्निकल सब्जेक्ट को इतने कीटों के नाम याद कर पाओगे। डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में क्या गलतियाँ नहीं करनी है, बाकी उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कि क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्या कॉलेजेस के रूल होते हैं सारा,
है ना। तो ये आज बात कर रहा हूँ मैं इन 10 सब्जेक्ट की, फर्स्ट सेमेस्टर की। सेकंड का तो अभी आपको देखना ही नहीं है, अभी 6 महीने का ही। अब देखो कुछ कॉलेजों में सेशन शुरू हो गए हैं, कुछ में नहीं हुए हैं, कुछ में लेट हो रहे हैं, तो बेटा उसमें आपका नुकसान, क्योंकि आपको टाइम बहुत कम मिलेगा पेपर के लिए। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दो, आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना मेरे सब्जेक्ट कौन से है, मेरे को पढ़ना क्या है, ये चीज समझ गए भाई। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, दोनों सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ बेटा फर्स्ट सेमेस्टर की। तो देखो कहीं से भी हो ना आप, ये मैं 4 यूनिवर्सिटीज का सिलेबस दिखाऊंगा आपको, है ना, और सब्जेक्ट समझा, हो सकता है ये ऊपर नीचे हो जाए, टॉपिक्स के नाम इनमें चेंज हो जाए थोड़ा बहुत, बाकी लगभग 100 पूरा नहीं कह रहा। यूजीसी अप्रूव जो सारी कॉलेज है ना ऑल इंडिया, आईसीआर एक्रेडिटेशन वाली, खैर उनमें भी वही रहेगा, यूजीसी वाली में भी वही रहेगा। पर होता क्या है, कुछ कॉलेजेस की जो फिलोसॉफी है वो अलग है। मतलब इसमें बायोकेमिस्ट्री मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में दे रखी है ना, कुछ में सेकंड में ऐड कर दिया, तो इतना सा कॉमन सेंस आप लगा लोगे कि भाई मेरे यार बायोकेमिस्ट्री साल है, सर सेकंड वालों को पढ़ा रहे हैं उस कॉलेज में, सेकंड ईयर में होगी तो मैं यहाँ जाके पढ़ लेता हूँ। सिलेबस सेम रहेगा, सब्जेक्ट ऊपर नीचे होगा। तो बात करते हैं कौन कौन से 10 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, बिल्कुल प्यार से, है ना। सबसे पहला आपका आता है कोर्स का नेम है, कोर्स का टाइटल है और कोर्स का कोड है, और ये है क्रेडिट्स, क्रेडिट सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको दिया है 4111। अब ये सब्जेक्ट कोड कॉलेज के हिसाब से चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को ये समझना है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत या उद्यान विज्ञान के प्रिंसिपल्स। अब मेनली उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर में जो 11th और 12th में पढ़ गया हो ना, कहीं से नोट्स नहीं मिल रहे हो ना आपको, भाई मैं तो दूंगा फिर भी ठीक है, तुम्हारे भाई के नोट्स तुमको पसंद नहीं आ रहे हो ना, तो 11th 12th की बुक पढ़ लेना, फर्स्ट सेमेस्टर किसी का बेक नहीं आएगा भाई, है ना। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है, जितने नंबर लाओगे उसके दुगने नंबर आपके परसेंटेज में जुड़ेंगे, डन है। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर पहला सब्जेक्ट हो गया भाई, पहला डन है भाई। सेकंड नंबर पे देखता हूँ, सेकंड नंबर पे इसको अभी के लिए अपन स्किप करते हैं, सेकंड नंबर पे अपन देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस, मृदा विज्ञान। क्या बेटा, मृदा विज्ञान, सोइल साइंस, ओके। अब मैं चीज बता दूं, मृदा विज्ञान अपन एग्रीकल्चर पढ़ते थे, एग्रीकल्चर के मेनली 3 पार्ट थे अपने 12वीं के अंदर, एनिमल, एग्रो और होटी। अब एग्रो के अंदर ही सोइल थी, पर यहाँ पे क्या किया, सोइल पर 2 सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएंगे, एक कई 10 में बांटना है और आगे जाते और बांटते रहेंगे, तो उन्होंने क्या किया इसको अलग कर दिया भाई। हॉर्टिकल्चर का तो आपके समझ में आ गया भाई, हॉर्टिकल्चर हो गई। अब एग्रीकल्चर के 2 पार्ट बच रहे हैं, एक तो बच रहा है LPM और एक बच रहा है एग्रोनॉमी। अब इसी एग्रोनॉमी में से सोइल साइंस आपको दे दी 2रा सब्जेक्ट, फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस, अम्लीय क्षारीय मृदाएं उनका निवारण और मृदाओं का संगठन, बहुत अच्छे से पुरानी क्लास हैं वो देखो, तो वो दोबारा रिकॉर्ड करेगा तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए फ्री में, वो भी करूंगा। तो 2 सब्जेक्ट हो गए, कौन सा हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया और सोइल साइंस हो गया। थर्ड नंबर पे बात करते हैं अपन, यही देखो फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री में क्या आता है, जो चारे वाले पेड़ है वो है एक दो आपके खेजड़ी हो गया, है ना, बबूल हो गया, सीसम हो गया, वो आएंगे आपके फॉरेस्ट्री में, तो इसको अपन हॉर्टिकल्चर में ऐड कर सकते हैं, हॉर्टी का ही पार्ट हो गया, फिर भी मैं लिख देता हूँ। थर्ड नंबर पे हो गया आपके फॉरेस्ट्री, जिसको बोलते हैं वानिकी। फोर्थ नंबर पे आपके देखते हैं, इसके बाद में आएगा एग्रोनॉमी। मोटा मोटा पहले मैं सब्जेक्ट बता देता हूँ, एग्रोनॉमी कौन सा हो गया, एग्रोनॉमी का सबको पता है, एग्रोनॉमी किसे कहते हैं, व्हाट इज एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान किसे कहते हैं, दैट इज ए ग्रीक वर्ड, है ना, फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डी क्रेसेंजी है। मृदा का प्रबंधन करते हुए क्या करना है, इसमें मृदा प्रबंधन करते हुए फसलों का उत्पादन जो लेते हैं, मतलब सोयल मैनेजमेंट करेंगे। सोयल मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, सोयल का मेरे को प्रबंधन करना है, तो इसमें टिलेज में कर सकता हूँ, इरिगेशन, वीड, ये सारे जो टॉपिक है वो एग्रोनॉमी में ऐड हो गए। और एग्रोनॉमी जो है 3 क्रेडिट है भाई, इसमें अगर तुम 100 में से 30 नंबर लाओगे ना, तो 30 × 3 90 नंबर जुड़ेंगे आपके, तो परसेंटेज बढ़ाने के लिए रामबाण चीज है एग्रोनॉमी। कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए, हॉर्टिकल्चर हो गया और हॉर्टिकल्चर का ही 2रा पार्ट अपना फॉरेस्ट्री हो गया, फिर हो गया अपना एग्रोनॉमी, और एग्रोनॉमी में ही फसलें इसमें पढ़ेंगे, सोइल साइंस को हमने अलग पढ़ लिया, 4 सब्जेक्ट हो गए। पांचवा सब्जेक्ट देखते हैं अब, इसमें पांचवा सब्जेक्ट दिया हुआ आपके इंग्लिश, कंप्रेंशन इंग्लिश, इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश है, एडवांस लेवल की इंग्लिश नहीं है, और इंग्लिश में मैं डायरेक्ट पेपर ही दे दूंगा आपको। क्या दे दूंगा, पेपर, और मतलब क्लासेस तो करवाऊंगा यार, पेपर भी आपको प्रोवाइड मैं करवा दूंगा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, और बिल्कुल ईजी, शायद 16 क्लास है, 16 क्लास में से 17वां वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं, और मैं ठोक के कह सकता हूँ, भरोसा कर सकते हो, आंख बंद करके अंधे की तरह भरोसा कर सकते हो, आपके किसी भाई के बेक नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, चार तो ये हो गई, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस, एग्रोनॉमी और फॉरेस्ट्री, 4 तो हो गई याद। और पांचवा जो इंग्लिश है वो आपको अदर जो अपने टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, अभी 3 स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी, है ना, इंस्टीट्यूट में कंपटीशन एग्जाम को पढ़ाते हैं, तो आपको वो पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। 5 सब्जेक्ट हो गए, 6ठा सब्जेक्ट आता है आपके इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ये देखो, या तो बायोलॉजी,
या जीव विज्ञान का परिचय जिसको बोल सकते हैं। तो देखो बायोलॉजी किस बच्चे को पढ़नी है मैं समझा देता हूँ, जिसने 12वीं के अंदर एग्रीकल्चर से था ना उसको बायोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। और बायोलॉजी में कुछ भी नहीं है, क्या क्या है, जीव किसे कहते हैं, जीव की आयु क्या होती है, एज क्या होती है, ठीक है, और जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है, सबको पता है दो होता है, सेक्सुअल असेक्सुअल, लैंगिक अलैंगिक, कोशिका विभाजन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, ये मैंने सिलेबस नहीं पेपर ही बता दिया, यही से क्वेश्चन आता है, यही इतनी सी बायोलॉजी है, 7 क्लास में कंप्लीट करवाऊंगा आपको, एक बच्चे के बेक नहीं आएगी, भरोसा रखना, जो पहले सीनियर है उनको पूछ लेना, मैंने जो कहा है वो हुआ भी है। हम जो पेपर देते थे ना, तुम्हें मैं बात बता दूं पिछले साल की, जो मैं गेस्ट पेपर बनाता था ना एग्जाम से एक रात पहले जो यूनिवर्सिटीज का, उसमें से अपना ना किसी, कोई गारंटी लेता है हमारा 70% मिला है, कोई लेता है 80, मैं गारंटी लेता हूँ मेरा 95% हूबहू आता था, अगले दिन जाके बोर्ड साफ करता था मैं कि मैंने कल परसन बताया रात को, वो सुबह पेपर में छपते हैं, ठीक है। तो भरोसा रखना, 5 सब्जेक्ट तो मैंने एग्रीकल्चर की बता दिया, 6ठा मैंने बताया बायोलॉजी, तो बायोलॉजी उन बच्चों को लेनी है जिनका 12th में एग्रीकल्चर था। फिर इसमें एक और दिया हुआ है एग्रीकल्चर हेरिटेज, जब स्टार लगा हुआ है, हेरिटेज का मतलब है कृषि का इतिहास अपन कह सकते हैं, कि ट्रैक्टर का विकास कब हुआ, आयरलैंड में अकाल कब आया था, पहली बार हल कब लाया गया, गेहूं कब लाया गया पुर्तगालियों द्वारा लाया गया, मक्का कहाँ से आया था, ये ड्रिप का विकास कब हुआ, किस देश ने हुआ, वो आते हैं हेरिटेज के अंदर। तो एग्रीकल्चर हेरिटेज जो है वो किनको पढ़ना है, एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं ना 12वीं में एग्रीकल्चर थी उनको तो नहीं पढ़ना, क्योंकि उनको तो पहले पता है हल वल कहाँ से आए थे, जिसके पास 12वीं में बायोलॉजी थी, जिसके पास 12वीं बायोलॉजी थी उनको एग्रीकल्चर हेरिटेज पढ़ना है, डन है। आगे चलते हैं इसके बाद में, कितने हो गए, 7 सब्जेक्ट हो गए आपके, एक आपके रहता है एनएसएस या एनसीसी, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा वाला, एनसीसी वाला समझते हो, एक तो होता है एनएसएस की आपको जो काम वगैरह करवाते हैं कोई सार्वजनिक मंदिर अंदिर वहां ले जाके करवा लिया, और होता है एनसीसी, टोपी ओपी लगा के पुलिस वाला बना देंगे आपको, उसमें ज्वाइन करना उसके नंबर मिलते हैं ना, जिन कॉलेज में फैसिलिटीज है वो ज्वाइन करना, तो ये तो एक कॉमन सब्जेक्ट हो गया अपना। अभी बसता है अपना इजी इजी सब्जेक्ट, एक आता है आपके सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी ह्यूमन वैल्यू या एथिक्स, सोशियोलॉजी किसको बोलते हैं अपन, समाज कल्याण वाली जो सब्जेक्ट है ना सोशियोलॉजी, एज लाइक आपके सामाजिक विज्ञान पढ़ी आपने, वो मान लो सामाजिक विज्ञान की तरह ही ये सब्जेक्ट है ना सोशियोलॉजी, है ना। तो एक तो आ रहा सोशियोलॉजी है ह्यूमन, रूरल सोशियोलॉजी जिसको बोलते हैं, ह्यूमन वैल्यू एथिक्स, यार नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा पढ़ी है 6th 7th में किसी ने, याद होगी नैतिक शिक्षा, ह्यूमन एथिक्स वाली, क्या क्या गुण होने चाहिए नहीं होने चाहिए वो चीज़ है। तो ये हो गए आपके 8 सब्जेक्ट, दोबारा से और समझा दूंगा, एक बार मैं समझा रहा हूँ। अब आपके बसता है कौन सा, मैथमेटिक्स, मैथ किसको पढ़ना है, आप देखो मैथ बायोलॉजी वाले को भी पढ़ना है और एग्रीकल्चर वाले को भी पढ़ना है, और जो बच्चा 12वीं मैथ से पास है ना उसको मैथ नहीं पढ़ना, उसको क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर हेरिटेज पढ़नी है, बायोलॉजी वाले को हेरिटेज पढ़नी है पर मैथ भी साथ पढ़नी है, ठीक है। अब आपके सब्जेक्ट बढ़ता है, इंग्लिश का मैंने बताई दिया, फॉरेस्ट्री का मैंने बताई दिया, अब किन्नी किन्नी कॉलेजों में क्या है सीन मैंने देखा है, जो बाहर की कॉलेज है ना उनमें, कि फर्स्ट ईयर के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी भी दे रखी है, बायोलॉजी की जगह जेनेटिक्स पढ़ लो या बायोलॉजी पढ़ लो, या फिर कुछ में दे रखा है, मैंने बताया एग्रीकल्चर के 3 पार्ट होते हैं, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी और एलपीएम, एनिमल हस्बेंड्री भी दे रखी है, तो बेटा एनिमल हस्बेंड्री की मैंने क्लासे करवा रखी है, दोबारा से करवाऊंगा और आपको लिंक दूंगा कि जिन जिन बच्चों के एनिमल हस्बेंड्री अटैच है वो वहां जाके पढ़ लो। ये हो गए आपके 10 सब्जेक्ट। अब एक बार ये यूनिवर्सिटी हो गए जोधपुर का, और यूनिवर्सिटीज का भी मैं बता देता हूँ, भागादौड़ी नहीं करनी है, ये आपको लग रहा हो इस वीडियो में टाइम खराब नहीं हो रहा आपका, आपको चीजें पता चल रही है कि मेरे को फ्यूचर में पढ़ना क्या है ना। ये लो दोबारा से अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, ये अलग यूनिवर्सिटी का उठाया मैंने सिलेबस, भाई मैं कोशिश ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे बच्चों का कवर कर सकूँ मैं, फिर भी किसी को उनका सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से ना मिल के सेकेंड सेमेस्टर के नाम से मिले तो भी पढ़ लेना, घबराना मत, चीज़ें वही रहेगी, चाहे फर्स्ट ईयर में पढ़ना चाहे सेकेंड ईयर में, गेहूं का नाम ट्रिटिकम एस्टिवम फैमिली ग्रैमिनी तो वो ही रहेगी, चाहे आप उसको थर्ड ईयर में पढ़ चाहे सेकेंड ईयर में। पहला आ गया आपके हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, डन है। सेकेंड आ गया फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट मैंने वहां नहीं बताया था, यहाँ बता देता हूँ, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसका भी फोबिया रहता है बच्चों के बेक आने का। 3 सब्जेक्ट का रहता है, मैथ का और एक इसका प्लांट बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है, और एक इंग्लिश का, बाकी इंग्लिश का नहीं रहता कुछ बच्चों के, पर जो सरकारी बच्चे पढ़े हुए हैं ना उनका रहता है बेचारों का, पर उनकी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ मैथ और इंग्लिश के इसकी, ठीक है, पहले भी अपने बच्चों में किसी की नहीं आई। प्लांट बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी समझते हो ना, फिर आती है अपनी सोयल साइंस, फिर आ गई फॉरेस्ट्री जो हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है, फिर आ गई कंप्रेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, इंग्लिश के टॉपिक है आपके, फिर आ गई एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में तो पूरे में से पूरे लाने की कोशिश रहेगी और आएंगे भी बच्चों के देख लाना। और एक और खास बात बताऊँ, जिस बच्चे के 80% अबाउ परसेंटेज रहेगी उनको सबको मैं गिफ्ट दूंगा,
एड्रेस भेज देना, भेजूंगा। और जिसके है ना जो मेन सब्जेक्ट बताऊंगा, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर, इन दोनों में थ्योरी पेपर में जिसके 100/100 होंगे ना, उसको मेरी तरफ से ऑफलाइन उसके घर के एड्रेस पे गिफ्ट भेजूंगा। मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड के सामने होकर, मेरे को मार्कशीट भेज देना, मैं इंस्टाग्राम पे लिंक है। अभी की बातें नहीं, वो रिजल्ट आएगा तब। भाई एक चीज मैं बताऊँ, जब भी किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट उस रिजल्ट वाले दिन कभी नहीं आता बेटा। रिजल्ट कब आता है? जिस दिन से आप तैयारी शुरू करते हो, आपके जो क्रियाक्रम कांड जो है ना, वो सारे छपते हैं। अगर आपका कांड नहीं किया, कोई भी अच्छे से पढ़ रहे हो, जाते कॉलेज के हवाबाजी में नहीं आए, अध्यक्ष नहीं बनाए, बंकबाजी नहीं कर रहे, सिस्टम हैंग नहीं कर रहे, यारी दोस्ती उनकी जगह है, सारी चीज़ें करो एज के हिसाब से। पर मेन मोटिव था आपका पढ़ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया ना अच्छे से, जिसकी अच्छी OGP बन गई, टोटल नंबर आ गए, उसको मैं भेजूंगा वो गिफ्ट, डन है। और गिफ्ट भी ऐसा गिफ्ट कि उसकी कॉलेज में किसी के पास नहीं होगा, जहाँ तक है सबको जिनके क्लियर पूरा में से पूरा रहेगा वो मेरे से संपर्क करना। अच्छा गिफ्ट दूंगा, समथिंग ज़्यादा महंगा नहीं, ज़्यादा सस्ता भी नहीं, पर 5 digit वाला दूंगा, जिन 5 digit में जो आएगा ना वो गिफ्ट दूंगा। ऐसा नहीं 150 rupees का कुछ भेज दिया, ऐसा नहीं है ना। तो मेहनत करो, और गिफ्ट देने का मोटिव भी यही कि आप प्रेरित हो और काम करो, अच्छे से पढ़ो, है ना। एग्रोनॉमी हो गई, ये आ गई बायोलॉजी। अब ये देखो, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स को ऑब्लिक लगा के लिए कहा हुआ है, तो समझा ही दिया मैंने किस किस को। बायोलॉजी तो पढ़नी है किसको? मैथ वाले बच्चे को। और मैथ किसको पढ़नी है? बायोलॉजी और एग्रीकल्चर वाले बच्चे को। फिर आती है हेरिटेज। अब हेरिटेज किसको पढ़नी है? हेरिटेज सिर्फ पढ़नी है मैथ और बायो वालों को, एग्रीकल्चर वालों को नहीं पढ़नी। रूरल सोशियोलॉजी हो गई, फिर ठीक है ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स हो गई, इसमें तो पास होना जरूरी है, इसके नंबर नहीं जुड़ते, ये NSS हो गया, तो ये 10 subject हो गए। फिर एक और यूनिवर्सिटी का बता देता हूँ भाई, आजकल भरोसा कम ही करते हैं, ठीक है मेरा। और इन जो 10 के 10 subject के वीडियो शुरू करूंगा मैं बहुत जल्द, पहले पर इस वीडियो पर रेस्पॉन्स। हाँ, जिसने यहाँ तक एंड तक देखा ना, अपना अपना नाम लिख देना, कॉलेज का नाम लिख देना, मेरे को पता तो चले कहाँ कहाँ से अपने ऑडियंस है, उस हिसाब से मैं उन कॉलेजों का सारा का सिलेबस देखूंगा और कॉमन चीज़ें आपको बताऊंगा। बाकी एक चीज़ बता रहा हूँ, इस ये जो क्लास है ना सारी, तभी ही स्टार्ट करूंगा इस वीडियो पे 5000 like, 5000 like जब हो जाएंगे ना तभी स्टार्ट करूंगा, इतनी सी मेरी डिमांड है, बाकी सारा फ्री है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्टाफ है, सारी चीज़ें है ना, 5000। और ये कब होंगे? जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं जो कहीं पे भी एडमिशन ले रहे हैं, सरकारी में, प्राइवेट में, प्राइवेट एफिलेटेड में, दबा के शेयर कर दो भाई। और जो अंगूठे का चिन्ह दिख रहा है ना ऐसे लाइक करने का, उसको तोड़ दो, खा जाओ, काट लो, तुम्हारी इच्छा हो वो कर लो, दबा दो, पर वहाँ पे 5 हो जाना चाहिए, ठीक है। 10 देखो, एग्रोनॉमी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, कुछ कॉलेजेस में जेनेटिक्स की जगह कुछ में आपको बायोलॉजी मिलेगा, और बायोलॉजी बिल्कुल बेसिक बायो है। फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस हो गया, जो अपना भाई एग्रोनॉमी का ही पार्ट है, टेंशन नहीं लेने का। हॉर्टिकल्चर हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, सामाजिक विज्ञान, नैतिक शिक्षा है, बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना इसका। तो फिर आ गया फॉरेस्ट्री, जो भी हॉर्टिकल्चर का पार्ट हो गया। फिर आ गया एनिमल हस्बेंड्री, तो एनिमल हस्बेंड्री में तो भाई 100 में से 100 आएंगे, इस तरीके से पढ़ाऊंगा। फिर आ गई इस इंग्लिश, इंग्लिश आपको अदर टीचर पढ़ाएंगे। हेरिटेज का मैंने बता ही दिया कि कृषि का इतिहास जिसको अपन कह सकते हैं। ये आ गए बायोलॉजी या बेसिक एग्रीकल्चर, बेसिक एग्रीकल्चर भी ओब्लिक में है, ये ऑल इंडिया का सिलेबस है, ठीक है। तो 1-2 subject डिफरेंट रहेगी, 8 तो भाई सेम रहेगी, मैं ऐसे कर रहा हूँ, 8 तो सेम रहेगी। और चेंज जो सब्जेक्ट रहेगी वो कौन सी रहेगी भाई? या तो बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट, या हेरिटेज, या हेरिटेज की जगह जेनेटिक्स, या फिर कौन सी आपके बायोकेमिस्ट्री, या आगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, या बेसिक एग्रीकल्चर सेकंड। ये सर करवाएंगे आपको बहुत जल्द, और सबसे पहले मैथ से ही शुरू करूंगा मैं, मैथ और इंग्लिश से ही, क्योंकि मैथ वीक रहती है बच्चों की, एग्रीकल्चर वाले बच्चों की, फोबिया रहता है मेरे बेक आएगी, किसी के बेक नहीं आएगी, ऑल क्लियर तो होगी, जो होगी 80% से होगी, कितने से 80। ये आ गया आपका NSS, NCC, फिजिकल एजुकेशन वाला। तो उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आएंगे, कोई भी कंफ्यूजन हुआ तो दूर हो गया होगा, और नहीं हुआ तो इससे पहले मैंने 1 साल पहले वीडियो डाल रखा है BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर का, वो देख लेना, वहाँ से भी हो जाएंगे। कुछ चीज़ें कवर नहीं कर पाते हर बार, रिकॉर्डेड क्लास में यादें नहीं रहती चीज़ें, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपके सारे कन्फ्यूजन। अब रही बात आपको नोट्स की, क्लासेस की, पुराने पेपर्स की, गेस पेपर्स की, प्रीवियस ईयर के पेपर्स की, आपको पास कराने की, आपकी डिग्री कराने की, तो वो किसकी है? फार्मर्स लव फैमिली की है, हमारी है, ठीक है। आप निश्चिंत रहें, बस इतना सा साथ निभाएं, जो लेक्चर्स डाल रहे हैं उनको कंटिन्यूस देखें और शेयर करें। तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, एग्रीकल्चर फील्ड में आए हो, लठ गाड़ के जाएंगे, ठीक है, पहले भी गाड़े हैं और गाड़ेंगे। बाकी मेरे लाइक कोई भी सपोर्ट रहे तो आधी रात को भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से कर लेना, बाकी रील्स वगैरह मत देखा करो, सिस्टम सबका सिस्टम है, आपका सिस्टम नहीं है तो खुद का सिस्टम जमाओ। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओके।